नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कल्ला है। मैं धुलेश्वर गार्डन स्थित एसआर कल्ला गेस्ट्रो एवं पेट रोग अस्पताल में कार्यरत हूँ। पेट और लिवर रोग के संदर्भ में जन चेतना के आधार पे जागरूकता फैलाने के लिए आज का विषय हमने लिया है जॉन्डिस। जॉन्डिस मैंने पीलिया, इसका मुख्य लक्षण आंखों में पीलापन, पेशाब करते समय पेशाब का हर समय पीला आना, भूख न लगना, फटीग, थकान और अरुचि होना इसके मुख्य लक्षण है। अगर पीलिया के कारणों के बारे में चर्चा करें तो पीलिया के कारणों को अपन मुख्यतः दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पीलिया मेडिकल कारणों से होने वाला पीलिया, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इत्यादि, और सर्जिकल पीलिया, सर्जिकल जॉन्डिस, जिसमें कि पित्त की थैली की पथरियों के पथरी के पेशेंट्स जिनकी पित्त की थैली की पथरी नली के अंदर आ जाती है और रुकावट करने के कारण से जो पित्त आपके लिवर से बन के छोटी आंत में आता है उसका मार्ग अवरुद्ध होने के कारण से शरीर में पित्त इकट्ठा हो जाता है, पित्त पीले रंग का है, उस कारण से ऐसे लोगों को पीलिया हो जाता है। तो समझने का विषय यह है कि अगर आपको सर्जिकल पीलिया है, सर्जिकल जॉन्डिस है, तो इसका उपचार दवाइयों से नहीं होगा, झाड़ फूंक से भी नहीं हो सकता। इसके लिए सोनोग्राफी करना आवश्यक है, ये जाने कि पेशेंट के शरीर में पित्त की नली की रुकावट है, तो उस पर अवस्था में व्यक्ति की नली की सफाई करना ही जवाब है। ये नहीं करने से ये एक जानलेवा रोग हो सकता है। मेडिकल पीलिया के कारणों में मुख्यतः आने वाले मौसम में अत्यधिक होने लगते हैं ये रोग, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए। वैसे हेपेटाइटिस ई और ए सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर कहलाते हैं, माने कि 4 से 6 सप्ताह में ठीक होने वाले रोग हैं। परंतु अगर कोई महिला गर्भवती हो और उसको हेपेटाइटिस ई हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में उसके बच्चे को और उसकी जान को खतरा होने की संभावना हो जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को आज के इस अपने चर्चा के मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उनको कभी भी बाढ़ नहीं खाना चाहिए और साफ सफाई का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरी भ्रांति ये भी है कि झाड़ फूंक लगाने से पीलिया ठीक हो जाता है। अधिकतर लोगों को ऐसा होता है कि अगर आपको मेडिकल जॉन्डिस ए और ई के कारण से जॉन्डिस है तो इसके 95% रोगी तो वैसे भी ठीक होने वाले हैं, और जब वो झाड़ फूंक लगवाएंगे तो वो स्वतः ही ठीक होने वाले थे, लेकिन मन में ये भ्रांति पैदा होगी कि झाड़ फूंक लगाने से वो ठीक हुए। आवश्यक ये नहीं है कि आप इलाज किस प्रकार का लेते हैं, आवश्यक ये है स्थायी रूप से किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जानना आवश्यक है कि उसका कारण क्या है। उसी प्रकार से पीलिया के रोगियों का कारण जानना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति को पीलिया के साथ अगर खून की कमी हो तो उसका मतलब यह है कि उसके खून के अंश खराब है और उसका भी इलाज करना आवश्यक है। तो आज की इस चर्चा से अपने को ये ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो और उसको कैसे मालूम चले आपको पीलिया हो, उसको भूख लगना बंद हो जाएगा, उसके शरीर में आंखों में पीलापन आएगा, पेशाब पीली आएगी, ऐसी किसी भी अवस्था में आप अपने डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच करवाएं और जांच से स्थायी कारण जाने कि मुझे पीलिया क्यों हुआ। जब क्यों जानेंगे तो उसका उपचार स्वतः ही सामने आके खड़ा हो जाएगा। अब अगर आपके किसी परिवार के सदस्य को, पड़ोसी को, दोस्त को मेरी किसी आवश्यकता हो पीलिया के रोगियों के लिए, तो आप मुझसे फेसबुक पर संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मैसेज कर सकते हैं और दुलेश्वर गार्डन स्थित S.R.Kalla हॉस्पिटल में आके मुझे दिखा भी सकते हैं। धन्यवाद।